हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मॉम एंड चाइल्ड। आज हम जानेंगे कि गर्भवती या प्रेग्नेंट लेडी के किन लक्षणों के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि उसके गर्भ में लड़का है या लड़की है। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के बाद जो बेल की बटन आएगी उस पर क्लिक करिए, जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी वीडियो होंगी आप तक पहुँचती रहेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी बात कि लिंग का परीक्षण करवाना हमारे देश में कानूनन अपराध है। इससे आपको सजा भी हो सकती है। बेटा और बेटी दोनों समान हैं। बेटी के बिना दुनिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और बेटे के बिना भी दुनिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इन पर कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कुछ माता पिता और घर के सदस्य अपने आने वाले संतान का स्वागत कैसे करना है और हमारा आने वाला नया नन्हा मेहमान घर का सदस्य लड़का होगा या लड़की होगी, यह जानने की उनमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। केवल उन्हीं माता पिता और घर के सदस्यों को ध्यान में रखकर हमने ये वीडियो बनाई है। यह जो हम लक्षण बताएंगे वह अनुभवी बुजुर्गों और प्रेग्नेंट लेडी के बिहेवियर पर आधारित है। यह कोई साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर प्रेगनेंसी के समय पर मूडी हो जाती है, उसे बात बात पर गुस्सा और बात बात पर खुश हो जाती है, तो इससे समझना चाहिए कि उसके गर्भ में लड़का है। उसे खाने से नफरत होने लगती है और उल्टी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है, यह लड़का होने का लक्षण है। उसके चेहरे पर ग्लो कम हो जाता है और एक्ने पिंपल की ज़्यादा हो जाती है। उसका यूरिन डार्क येलो कलर का हो जाता है। उसे ज़्यादा नमकीन और तीखी चीज़ें खाना पसंद होता है। इससे समझना चाहिए कि उसके गर्भ में लड़का है। अगर प्रेग्नेंट लेडी का पेट का आकार गोल और आगे की तरफ निकला हुआ होता है और उसकी बॉडी में कोई भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, तो इससे भी समझना चाहिए कि उसके गर्भ में लड़का है। अगर प्रेग्नेंट लेडी को काम काज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उसे बहुत ज़्यादा आलस्य नहीं लगता, तो इससे भी समझना चाहिए कि घर में आने वाला नया नन्हा मेहमान लड़का है। इसके अलावा एक टेस्ट आप कर सकते हो, बेकिंग सोडा टेस्ट। उसके लिए आप एक डिस्पोजल में बेकिंग सोडा लीजिए और प्रेग्नेंट लेडी का सुबह का सबसे पहला यूरिन उसमें डालिए। अगर झाग या बुलबुला नहीं बनता है तो इसका मतलब उसके गर्भ में लड़का है, और झाग या बुलबुला बनता है तो उसे समझना चाहिए कि उसके घर में एक लड़की आने वाली है। कुछ लोग गर्भ में लड़की का पता होने पर उसे अवॉर्ड करा देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। यह बहुत बड़ा गुनाह है। इन लक्षणों के आधार पर आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण कभी कभी गलत भी साबित हो जाते हैं। मैंने ये सारी बातें खुद पर आजमाई है, केवल इसके कारण मैंने आपको ये सारी बातें बताई। ये बातें बहुत दिनों से या हमारे पूर्वजों के ज़माने से बोली जा रही हैं और ये मुझ में साबित भी हुई हैं, जिसके कारण मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो या आपको यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।